जो आपके घर में ऐसे गया था, नाम बताइए क्या? तो उसकी आत्मा का तो बता दिया ना इन्होंने ढूंढ के। जी ये कब की है? 23 जून 2000 एडमिट होना है। 21 की पर्ची है। डॉक्टर ने क्या बताया इनको? 20 तारीख को एडमिट होना है। किस लिए? घुटनों में क्या है? घुटनों में वेन में बता रहे ब्लॉकेज है। वेन में ब्लॉकेज है तो क्या जो वेन में ब्लॉकेज है उससे दर्द रहते हैं इनको? ब्लॉकेज है तो मनु भैया ब्लॉकेज तो नहीं निकालेंगे, फिर क्या करेंगे मनु भैया? ये करेंगे तो जितनों भी मैन पूजा है वो हमारी खराब चल रही है 35 साल, उसको शुद्ध कर दे तो कोई दर्द नहीं रहेगा ना मैं। उसको शुद्ध कर दे तो कोई दर्द नहीं रहेगा और ना वेन की समस्या रहेगी। मैंने अभी आपको हाथ लगाया, आपके दर्द के लिए मैंने प्रार्थना की, तो क्या आपके दर्द उसमें हल्के हो गए? आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी? जब मेरे पास आए थे तो क्या समस्या थी उस टाइम? वो तो मैंने कल बुलाया आपको धक्के से, ये थोड़े लेके आने वाले हैं। दिखाओ ऑपरेशन इनका बताया था 20 तारीख को एडमिट के लिए। कौन से हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं? मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल। ये कहाँ पे पड़ता है? ये मालवीय नगर। अच्छा मालवीय नगर में ही ये पड़ता है। तो कौन कौन से डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर ऋतु डॉक्टर मुनीर शर्मा। तीनों डॉक्टर। क्या उन्होंने दवाई दी आपको लंबे समय तक खाने के लिए? टैबलेट दी है, टैबलेट नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे हैं। दर्द के ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया आपने? कोई खर्चा पैसे के तो नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल है तो कुछ तो लगता होगा ना थोड़ा? नहीं कोई कुछ नहीं। दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखी? सिर्फ बिटिया जो मेरी जान मतलब डॉक्टर है, मेरी बिटिया के कारण उनके फोन पे सारे डॉक्टर। तो आपकी बिटिया जो है वो डॉक्टरों से बातचीत करती है, इनकी रिपोर्ट लेती रहती है? तो आपकी बिटिया ने देखेगी बेटिया आपको, और बिटिया क्या बताएगी? नहीं कि आपको दर्द जो है वो कमी आ गई। मैं कहता हूँ आप जब यहाँ आए थे तो उस टाइम आपको क्या क्या हो रहा था? उस टाइम पूरा ये पेट में यहाँ पे मुझे महसूस होता है अंदर कोई मेरे को दर्द है, और ये पूरा ये दर्द है मेरे रीढ़ की हड्डी में। तो 3 दिन से पहले इतना दर्द है कि मैं ये कह रही थी नहीं आते, थोड़ी देर में दर्द हल्का पड़ता है और फिर बढ़ जाता है। अभी चल इमरजेंसी में चल, जो हल्का पड़ता है फिर एकदम से बढ़ जाता है और इमरजेंसी पैदा कर देता है वो दर्द। आपका दर्द है कहाँ भाई? बिना टेबलेट लिए हल्का पड़ता है तो इतना बढ़ जाता है कि आप चलते कैसे हैं मुझे ये बताइए? जब चलते हैं तो आपको चलने में किसी आदमी की जरूरत पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती। तो लंगड़ा के चलते हैं आप? लंगड़ा के पैर टिक रहा है। पैर टिक नहीं रहा। अभी टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है? उतना टिक रहा है, वो थोड़ा हल्का। ठीक है यहाँ आइए, अपने पैर को हमारे पैर पे रखिए, एडी को जो टिकता नहीं है। जी एडी को रखो, जहाँ से टिकता नहीं है, जहाँ से दबाव पड़ता है। दबाव ऐसे ये घुटने में? हाँ तो इसको रख के खड़े हो ना, पैर पे पैर रखे। हाँ रखो, बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। अपना जोड़ दो फिर मेरे को बताओ दर्द कहाँ होता है। जय शनिदेव। उस पे हाथ लगाओ, पकड़ लो। हाँ बोलो। जय शनिदेव। कितना दर्द हुआ? हल्का है। कितना हल्का हुआ? मतलब वो कैसे बताओ? अब एडी टेको, घूम जाओ। एक ही पैर में होता है ऐसा आपको? रखो, कमर में दर्द है अभी? कमर में दर्द नहीं रहा? नहीं। तो अभी कहाँ कहाँ का दर्द आपका चला गया बताइए मुझे? कमर का गया, पेट का गया और पैर का हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। मान लिया ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज की वजह से हल्का दर्द है। अगर पूरा दर्द आपका होता तो फिर दर्द निकलता नहीं। तो इसका मतलब क्या? बनु भैया ने कोई टेबलेट आपको नहीं दी है, कोई एक्सरे वगैरह आपका नहीं किया, ठीक है, कोई जादुई छड़ी आपको नहीं लगाई, क्या किया है? केवल हाथ से दबाया है हल्का, ठीक है ना? और उसको दबाए हुए भी कितनी देर होगी आप बताइए जरा? आधा घंटा हो गया। अगर वो उसी टाइम दबाने से ठीक होता तो आधे घंटे तक ठीक नहीं रहता, आधे घंटे तक हल्के नहीं होते आप। तो सारी चीजें क्या है? वास्तविकता है, हकीकत है। इसका मतलब आपके घर में दोष अभी तक बाकी है और वो दोष पितृ दोष है जिसके कारण आपको इतने दर्द रहते हैं। यहाँ से वहां तक चलिए और फिर वापिस आइए। पिता पेट के दर्द के कारण ही तीसरे दिन मृत्यु हुई थी पिता की, और वही लक्षण आपको है और वही बताया गया आपको। तो हमारे से बड़ा स्कैंडल कोई नहीं है, ठीक है? यहाँ आइए, अपनी परेशानियों को हल कीजिए, जय शनिदेव का जाप कीजिए। और इनकी कौन कौन सी फाइल बना रखी है डॉक्टरों ने? ये पूरी MRI सारे एक्सरे, MRI एक्सरे वगैरह। हमने तो कोई MRI नहीं की। दूसरी फाइल ये घुटनों का ही है। तो हमने दूसरी फाइल ग्लोर ब्लेड अभी 2 बार और लेके आए तब पूरी ठीक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी पूरी ठीक हो गई है, लेकिन चूंकि चीज पुरानी है तो आपको लेके आना ही आना इनको पड़ेगा। जय शनिदेव। 20% बताया है कि और भी अभी आओ।
अभी और दो बार आएगी तो बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा, इस बार आराम लग जाएंगे। बाहर जाके 21 परिक्रमा करो, जय श्री देव का जाप करो। बोलो बहन जी, और भी हल्का हुआ है कुछ? एडी में कोई दबाव कम हुआ है? मैं कहता हूँ आपको 3 बार आना है, ठीक है? तो आपको निकाल के दिखा दिया ना मैंने, मैंने ये कहा अगर मेरे हाथ लगाने से दर्द निकलता है तो सदा के लिए ठीक हो जाओगे। जय शनिदेव, बोलो बोलो सच्चे शनिदेव।